किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। लकी बेटा, चाय पिएगा क्या? मम्मी दूध हो तो वो दे दो और कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ काम था। बेटा पापा वॉक पर गए हैं, बस आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। बहुत थक गया हूँ आज तो। पापा मुझे नई क्रिकेट बैट लेनी थी। ठीक है बेटे, आप रेडी हो जाओ फिर चलते हैं। बाबूजी, आपकी चाय रेडी है, अंदर आ जाइए। पर पापा इतनी जल्दी क्यों? आज तो आपकी छुट्टी है ना? हाँ बेटे आज मेरी छुट्टी है, पर आज मतदान भी तो है, इसलिए जल्दी से पहले वोट डालने चलेंगे और फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे। जी बेटा अमर, मेरी दवाई खत्म हो गई है, बाजार जाओ तो लेते हुए आना। जी बाबूजी। बाबूजी हम सभी बाजार जा ही रहे हैं, आपकी दवाइयाँ भी ले लेंगे। और हाँ, आपके चश्मे का फ्रेम बहुत पुराना हो गया है, इसे भी चेंज करवा लेंगे। कहाँ जाना है? और आज अमर को ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं बाबूजी, आज पापा की छुट्टी है, आज मतदान है ना, हम सब लोग वोट डालने जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, तुम लोग जाओ, मैं क्या करूँगा मतदान में आकर। पर बाबूजी मतदान करना कितना जरूरी है। अरे भाई मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं तो अपना मनपसंद सीरियल देखूंगा। लाइए बाबूजी। बाबूजी आप गलत बटन दबा रहे थे। देखिए बाबूजी हमारी जिंदगी में एक बटन का कितना महत्व है। मतलब एक कि एक बटन दबाने से हमारे घर में रोशनी हो जाती है, और एक बटन दबाने से पंखा चालू हो जाता है। आप रेडियो का एक बटन दबाकर अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं, और एक बटन दबाकर टीवी देख सकते हैं, और एक बटन दबाकर मेरा लैपटॉप भी स्टार्ट हो जाता है। पर तुम लोग मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि बाबूजी ऐसा ही एक बटन दबाकर आप अपना वोट भी दे सकते हैं। और बाबूजी मतदान करना तो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। और बाबूजी आप ही कहते हैं ना कि हमें अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और बाबूजी आपने तो अपना हर कर्तव्य निभाया है, फिर चाहे मेरी परवरिश हो, मेरी पढ़ाई हो, आपने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई है, और ये तो देश का काम है। पर भाई मुझे ये मशीन समझ में नहीं आती। बाबूजी मतदान करना बहुत आसान है, आपको बस ईवीएम मशीन में अपने पसंदीदा प्रत्याशी के सामने वाला बटन दबाना है। जैसे ही आप बटन दबाएंगे आवाज के साथ लाल लाइट जलेगी, लाइट जलने का मतलब है आपका मतदान हो गया। और पापा वीवीपैट से पर्ची भी तो निकलती है। जी हाँ बाबूजी, ईवीएम मशीन के पास एक वीवीपैट बॉक्स रखा रहता है जिसमें मतदान के तुरंत बाद एक पर्ची दिखाई देती है। इस पर्ची में प्रत्याशी का नाम, मतदाता क्रमांक और चुनाव चिन्ह होता है, और यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है, उसके बाद वह कट के बॉक्स में गिर जाती है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि मतदाता यह सुनिश्चित कर सके कि उसने जिस प्रत्याशी को वोट किया है वोट उसी को गया है या नहीं। हाँ बाबूजी, ईवीएम मशीन से वोट करना बहुत आसान है। बेटा वोट करना तो बहुत आसान है, पर अभी कोरोना चल रहा है और वहाँ बहुत ढेर सारे लोग होंगे। पर बाबूजी चुनाव आयोग ने कोरोना से बचाव के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं। भाई हमें भी तो इस बारे में पता चले। रुकिए मैं आपको चुनाव आयोग की सारी गाइडलाइन अभी दिखाता हूँ। बेटा मैंने आपको जो पेन ड्राइव दी थी वो आप टीवी में लगा दो। पापा मैंने पहले ही लगा दी। लाइन में सामाजिक दूरी बनी रहे इसके लिए 6 फीट पर निशान लगाए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर
बीएलओ और स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे ताकि सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन हो सके। जो भी मतदान केंद्र पर आएगा उसका तापमान टेम्परेचर गन से लिया जाएगा। जिसका तापमान अधिक आएगा उससे आखिरी में मतदान करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग एक छायादार प्रतीक्षा करने का स्थान बनाया जाएगा। यह मतदान केंद्र परिसर में ही रहेगा जिससे वोटर बिना अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करे मतदान कर सकता है। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर साबुन और पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश और निकासी स्थल पर सैनिटाइजर भी रखा जाएगा। जो मतदाता मास्क नहीं लगाकर आएंगे उनके लिए हर मतदान केंद्र पर रिजर्व में फेस मास्क रखा जाएगा। जगह जगह कोविड-19 के पोस्टर लगाए जाएंगे जिससे कि सभी मतदाता जागरूक हो सकें। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पोलिंग एजेंटों के लिए बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार की जाएगी। यदि पोलिंग एजेंट या मतगणना एजेंट का निर्धारित सीमा से अधिक तापमान है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर की अनुमति दी जाएगी जो तदनुसार रिकॉर्ड रहेगा। मतदान की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को पहचान के लिए फेस मास्क नीचे करने की आवश्यकता होगी। फेस मास्क तभी उतारा जाए जब उसकी आवश्यकता हो। किसी भी समय सामाजिक दूरी बनाए रखने वाले प्रत्येक मतदान अधिकारी के सामने केवल एक मतदाता को खड़े होने की अनुमति होगी। मतदान रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाता को हाथ दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। मतदाताओं द्वारा उपयोग के लिए स्पष्ट निर्देश के साथ उचित स्थानों पर बूथ के अंदर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर इसका निरीक्षण करेंगे तथा वे कोरोना मरीज जो अस्पताल में भर्ती हैं अथवा कोरोना संदिग्ध जो क्वारंटीन में हैं, वे पूर्व में आवेदन कर डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी पूर्व आवेदन पर डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी। तो बाबूजी आपने देखा आयोग की तरफ से कोरोना से लड़ने के लिए कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसीलिए बाबूजी हम सबका वोट डालना बहुत जरूरी है। क्या हुआ बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं? तैयार होने, मतदान करने नहीं चलना है क्या? चलो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, परिवार के साथ मतदान करके आते हैं।